बाल्को प्रबंधन की ओर से निशुल्क कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैद ने इस शिविर का उद्घाटन किया। 9 दिवसीय शिविर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए जरूरतमंदों को जयपुर पांव प्रदान किए गए। लाभान्वित नागरिकों ने बाल्को प्रबंधन की इस पहल की सराहना की। शिविर का आयोजन रायपुर के श्री विनय मित्र मंडल के सहयोग से किया गया। बाल्को प्रबंधन ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत बाल्को नगर में निःशुल्क कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया। सेक्टर 5 स्थित डॉक्टर अम्बेडकर भवन में शिविर का उद्घाटन बाल्को अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैद ने किया। इस मौके पर कोरबा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रतिनिधि और बाल्को अधिकारी मौजूद थे। बाल्को अध्यक्ष श्री बैद ने निशक्त जनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बाल्को प्रबंधन समाज से अर्जित लाभ का कुछ अंश वापस समाज को लौटाने की नीति में विश्वास रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाल्को प्रायोजित जयपुर पांव शिविर से बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा और उन्हें बैसाखियों से मुक्ति मिलेगी। जयपुर पांव शिविर में निशक्त जनों की जरूरत और सुविधा के मुताबिक पांव तैयार किए गए हैं। जरूरतमंदों को जयपुर फुट के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया। विनय मित्र मंडल के तकनीशियन और शिविर के संचालक श्री अब्दुल वहीद कुरैशी ने बताया कि एक जयपुर फुट तैयार करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। यदि इनका सही इस्तेमाल और देखभाल की जाए तो लगभग 10 वर्षों तक इनमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। श्री कुरैशी ने बताया कि शिविर में पुराने जयपुर फुट की मरम्मत भी की गई। अभी 11 नवम्बर से 19 नवम्बर तक भारत एल्युमिनियम बाल्को द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया है। इसमें अभी तक 30 विकलांग लाभान्वित हो रहे हैं और पेशेंट लगातार आ रहे हैं। उन्हें भी 19 तारीख तक जयपुर पैर दिया जाएगा, जिससे ये विकलांग भाई खुद आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना खुद का रोजगार कर सकें। यह प्रयास भारत एल्युमिनियम बाल्को का बहुत सराहनीय है। यह शिविर आयोजित बाल्को में किया गया है, इससे विकलांग भाई बराबर लाभान्वित हो रहे हैं। ये बैसाखी पे आए थे और ये बिना बैसाखी के इस कृत्रिम जयपुर पैर के सहारे चलते हुए अपने घर जाएंगे। रायपुर के श्री विनय मित्र मंडल के सहयोग से आयोजित जयपुर फुट शिविर में आने वाले नागरिकों के लिए आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था बाल्को प्रबंधन की ओर से की गई। बाल्को की इस पहल को लाभान्वित निशक्त जनों ने खूब सराहा। कोई भाई बताया कि विकलांग शिविर पैर वाला प्रत्यारोपण बाल्को कोरबा में लगा है, उसी को सुन के मैं यहाँ आया। आने के बाद मेरे को कृत्रिम पैर बना के दे दिए हैं और ट्राई भी हो चुका है और मेरे को बहुत खुश की बात है। मेरे को अत्यंत खुश है कि ऐसा शिविर और यहाँ लगे, ताकि और भाइयों विकलांगों जितने भी हमारे साथी हैं भाई विकलांग, उनका भी इसी प्रकार उनका भी सहयोग हो और उनका भी पैर बने, ताकि वो भी चल सकें, फिर सकें, घूम सकें, काम बुता अपना कर सकें। अभी बाल्को द्वारा एक निःशुल्क पैर का जो शिविर आयोजन किया गया है, उसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ और मेरे लिए निःशुल्क पैर तैयार की जा रही है और इससे मैं मेरे मन में आनंद है कि हाँ, मैं ठीक से चल सकूँगा और अपना कार्य कर सकूँगा। इस पुनीत कार्य के लिए मैं बाल्को का सत सत अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी विकलांग भाइयों की तरफ से आभारी हूँ। धन्यवाद।